संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आज मैं बात करूंगा टॉप 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की। तो आज के इस वीडियो में आपको झारखंड के टॉप 5 कॉलेजेस कौन कौन से हैं उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो मैं टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप 5 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप 5 प्राइवेट कॉलेज, ये सारे डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और देखें कि टॉप 5 कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें पहले रैंक पर आता है आदित्यपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आदित्यपुर जो टाटा में स्थित है, और यहां पर आपको मेन ब्रांच मिल जाते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलोजी एंड कंप्यूटर साइंस। और यहां पर प्लेसमेंट्स काफी बेहतर होता है और आप यहां मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मेटलोजी साथ साथ कंप्यूटर साइंस का भी प्लेसमेंट यहां अच्छा होता है, तो यहां आप ये ब्रांच ले सकते हैं। और चूंकि ये टाटा में स्थित है और एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसके कारण यहां प्लेसमेंट काफी अच्छा हो जाता है। और यहां पर आप टाटा कंपनी, जिंदल, एलएनटी जैसे अच्छे कंपनियों में प्लेसमेंट ले सकते हैं। सेकंड रैंक पर मैं कहूंगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद। अब यह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद में आपको कौन कौन से ब्रांच मिल जाएंगे, तो यहां आपको सिविल मिल जाता है, मैकेनिकल मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल मिल जाता है और कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा सिविल भी मिल जाता है और यहां पर भी आपको प्लेसमेंट काफी अच्छा मिल जाता है। और मेटलोजी जो आदित्यपुर और धनबाद दोनों जगह स्थित है, इसका भी प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है। तो यहां पर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मेटलोजी और कंप्यूटर साइंस, ये ब्रांच आप धनबाद में ले सकते हैं। तीसरा मैं कॉलेज की बात करूंगा तो तीसरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची, जो रांची में स्थित है, और यहां पर भी आपको मिल जाता है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और साथ ही कंप्यूटर साइंस। तो यहां पर भी प्लेसमेंट काफी अच्छा है, चूंकि ये राजधानी में स्थित है और राजधानी में आप जान ही रहे हैं कि बहुत सारे आसपास अच्छे अच्छे कोचिंग्स भी मिल जाते हैं। तो यहां पर आपको अगर पॉलिटेक्निक लेते हैं एडमिशन, तो आसपास तैयारी के लिए एक अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो तीसरे रैंक पर आप रांची के कॉलेज का विकल्प ले सकते हैं। इसके बाद मैं फोर्थ रैंक पे बात करूंगा तो यहां पर मैं माइनिंग की बात करना चाहूंगा, क्योंकि भागा का माइनिंग कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा, जहां आप माइनिंग के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस, तीन ब्रांच है यहां, लेकिन यहां का माइनिंग बहुत फेमस है। और अगर माइनिंग लेना हो तो आप यहां भागा का विकल्प ले सकते हैं। यहां बीसीसीएल एम्प्लाई के लिए 10 सीटें पहले से आरक्षित है। अगर आप बीसीसीएल एम्प्लाई के बच्चे हैं, मतलब कि आपके पापा अगर बीसीसीएल एम्प्लाई में है, तो फिर इसका फायदा भी यहां रिजर्व कोटा में आपको मिलता है। इसके बाद फिफ्थ पॉलिटेक्निक कॉलेज की मैं बात करूंगा तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा। हाँ भाई, निरसा में मेन ब्रांच क्या क्या हो गए, तो यहां पर मैकेनिकल, सिविल और माइनिंग। माइनिंग के लिए आपको भागा के साथ साथ निरसा भी विकल्प है। और ये कॉलेज पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद के साथ था, लेकिन अब ये निरसा में सेटल हो चुका है। यहां की बिल्डिंग कैंपस भी बहुत अच्छी है और यहां प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो यहां पर आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा टॉप 5 कॉलेज, पीपीपी मोड कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट जमीन मुहैया कराती है और कंपनी यहां पर कॉलेज बनाकर और उसके बाद बच्चों को पॉलिटेक्निक कराया जाता है। और यहां पर 60 सीटें प्रत्येक ब्रांच की जो होती है, उसमें 30 सीटें फ्री सीट होती है और 30 पे सीट होता है। इसलिए इन कॉलेजेस में चूंकि 30 फ्री सीट मिल जाता है, तो समझ सकते हैं आपकी बड़ा रीजनेबल रेट में आप यहां पर पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्राइवेट कॉलेज से थोड़ा बेहतर हो जाता है, ताकि बच्चों को कम रेट में यहां से पॉलिटेक्निक कराया जा सके। तो अब आपके मन में आएगा कि सर पीपीपी बोर्ड कॉलेजेस में कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, जहां पर एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। तो मैं कहूंगा कि मैं इन कॉलेजेस में सबसे फर्स्ट रैंक पर सिली पॉलिटेक्निक को रखना चाहूंगा। तो सिली पॉलिटेक्निक में आप ले सकते हैं। और सिली पॉलिटेक्निक की मैं बात बता दूं कि सिली पॉलिटेक्निक में आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के साथ कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। उसके बाद चांडिल पॉलिटेक्निक की मैं बात करूंगा, चांडिल पॉलिटेक्निक को सेकंड रैंक पे हम रखते हैं पीपीपी मोड कॉलेज में, जहां पर आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के साथ साथ ऑटोमोबाइल मिल जाता है। इसके बाद माइनिंग के दो कॉलेज की मैं बात करना चाहूंगा, मधुपुर और पाकुर में। तो थर्ड रैंक पर मधुपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां पर आपको माइनिंग भी मिल जाता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के साथ साथ। और पाकुर में भी यही कंडीशन है, आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के साथ माइनिंग अवेलेबल हो जाता है। और इसके बाद मैं इसमें फिफ्थ रैंक पर रखना चाहूंगा बहरा घोड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां का प्लेसमेंट भी ठीक है। तो बहरा घोड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज, और साथ में आप नजदीक देखकर चांडिल को ट्राई कर सकते हैं या गोला को ले सकते हैं। ये भी कॉलेजेस आप अपने आसपास के रेंज के अनुसार देख लें, लेकिन लगभग ये 4-5 कॉलेजेस हैं जो बेहतर हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा प्राइवेट कॉलेज।
तो प्राइवेट कॉलेजेस में अब झारखंड में अगर देखा जाए कि झारखंड के टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन अच्छे हैं, तो इसमें मैं कहूंगा एक नंबर पर अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो टाटा में ही स्थित है और यहाँ भी प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है और अलकबीर में भी आप ले सकते हैं सिविल ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जिसका प्लेसमेंट काफी अच्छा होता है अलकबीर में। इसके बाद सेकेंड रैंक पर प्राइवेट कॉलेज में मैं कहूंगा के पॉलिटेक्निक, जो धनबाद में स्थित है और यहाँ भी आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल ये सारे ब्रांच मिल जाते हैं और यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि सेकेंड रैंक पर आप प्राइवेट कॉलेज में अगर देखें तो फिर के पॉलिटेक्निक का नाम आता है। इसके बाद थर्ड कॉलेज, तो थर्ड कॉलेज में मैं कहूंगा आरटीसी इंस्टीट्यूट, जहां पर आप ले सकते हैं और यहाँ का मैं ट्रिपल ई के लिए ज्यादा सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आरटीसी इंस्टीट्यूट जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहां पर आप ट्रिपल ई का मुझे लगता है कुछ खास है यहाँ पर, जहां पर आप ट्रिपल ई लेकर एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। उसके बाद मैं फोर्थ रैंक पे कहूंगा जेबीआर इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, तो यहां पर भी आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, यहां भी आप लगभग प्लेसमेंट्स ठीक होता है। और लास्ट मैं फिफ्थ रैंक पे रखूंगा खंडौली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रिडी। तो ये 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज प्राइवेट में मैं किस आधार पर रख रहा हूं, तो देखिए यहां पर मैं बता दूं कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको जब भी कोई कॉलेज चॉइस करना हो तो आप ये देख ले लेटरल एंट्री का जो सीटें होती है उसमें आप पुराने वैकेंट सीट, मतलब कि देखो मैं इसे डिटेल बताता हूं कि फर्स्ट ईयर में जितने बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसके बाद जब लेटरल एंट्री के बच्चे एग्जाम देते हैं तो फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन नहीं हो पाता तो वो लेटरल में सीटें वैकेंट रह जाती है, उसके अकॉर्डिंग जिन जिन कॉलेज में कम सीटें खाली रह गई हैं, मतलब कि मुझे लगता है कि वो कॉलेज अच्छा है तभी उसमें बच्चों का एडमिशन अच्छा रहा होगा, और इस आधार पर आप उन कॉलेजेस को चॉइस कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा झारखंड की अभी प्रैक्टिकल जो वस्तु स्थिति है उस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि देखिए आपको थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण को चेंज करना होगा, क्योंकि सबसे पहले मैं 3-4 मुख्य बातों को आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। सबसे पहला कि अगर आप ध्यान दें तो पहले झारखंड में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होता था, और एंट्रेंस एग्जाम देने का मतलब कि केवल आप राज्य तक ही सीमित थे, क्योंकि आपको झारखंड का एंट्रेंस एग्जाम देना होता था और उस एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर आपको झारखंड के जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट या जिसे पीपीपी मोड में कर रहा हूं, या आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता था। लेकिन इस बार चूंकि एग्जाम ना होकर मेरिट बेस हो रहा है तो आपका दायरा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और आपको सोचने की दायरा भी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप मेरिट बेस पर अगर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि 3 स्टेट में मेरिट बेस होना स्टार्ट हुआ, दिल्ली, वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो ऐसे कंडीशन में मुझे थोड़े से स्तर, मुझे लगता है कि 3 राज्यों तक आपको सोचना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दिल्ली के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अगर आपका 10th का मार्क्स अच्छा है और मेरिट बेस पर आप लेना चाहते हैं तो फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के कॉलेज के विकल्प काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप दिल्ली के पॉलिटेक्निक का कॉलेज ले सकते थे वेस्ट बंगाल, और चूंकि ये दोनों का काउंसलिंग अब कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो चुका है इसलिए आप तो आपके पास विकल्प लगभग खत्म हो गए, आप झारखंड का ही विकल्प बच रहा है। लेकिन एक विकल्प मुझे कहने के दृष्टिकोण से हमारे पास 3 नए विकल्प, मतलब एक तरह से ये एक राज्य से हटकर 3 राज्यों तक बढ़ जाता है जब हम मेरिट बेस पर इस चीजों को देखते हैं। ठीक इसी तरह से पीपीपी मोड कॉलेजेस तक तो ठीक है क्योंकि फी काफी कम लग जाता है, उसके बाद टीएफडब्ल्यू तक भी कॉलेजेस ठीक हैं कि प्राइवेट कॉलेज में भी टॉप 5 जो मैंने कॉलेज कहा वो आप टीएफडब्ल्यू के अनुसार सीटें ले सकते हैं। लेकिन फिर केवल प्राइवेट कॉलेज में फी के आधार पर अगर लेना हो तो मुझे लगता है कि आपका दायरा बढ़ जाना चाहिए और आप इसे पूरे ऑल इंडिया लेवल पर इसको देख सकते हैं कि ऑल इंडिया के टॉप जो कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो फिर आपको पूरे ऑल इंडिया के टॉप कॉलेजेस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या पूरे ऑल इंडिया में और भी इससे बेहतर प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो मुझे लगता है कि आप अगर इस चीज को ध्यान दें तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में सोचना होगा कि पूरे इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन सा है और उन इंडस्ट्रियल एरियाज में कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जहां का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नो डाउट जिस इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाएंगे उस इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जो कॉलेज है उनका प्लेसमेंट अच्छा होता है। तो फिर मैं कुछ ऐसे कॉलेज पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जिनके इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास होने के कारण प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है, ऐसे कॉलेजेस पर भी लेकर वीडियो आऊंगा अगर आपको इच्छा होगी तो। चलिए भाई जरूर कमेंट करें, लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप एडमिशंस कराना चाहते हैं तो आप जरूर कॉलेज के आसपास वहां के सीनियर बच्चों से जरूर फीडबैक लें, क्योंकि आपको इससे कॉलेज की सही जानकारी उपलब्ध होगी।
मतलब किसी के कहने पर, मेरे कहने पर ही आप डायरेक्ट मेरे फीडबैक के अनुसार एडमिशन ना लेकर वहां के सीनियर बच्चों का फीडबैक जरूर लें, क्योंकि वहां के सीनियर बच्चे जो ऑलरेडी उस कॉलेज से निकले हैं उन्हें ज्यादा डिटेल पता होता है कि वहां का प्लेसमेंट की स्थिति क्या है, वहां की पढ़ाई की स्थिति क्या है, उसके लैब की स्थिति क्या है। और उन बच्चों का आप जब कॉमेंट्स के थ्रू अगर उन कॉलेजेस को डिटेल निकाले तो वहां कॉमेंट्स जो है उनको पढ़ने से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ नए कॉलेज के साथ। आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।